कराहल जनपद सीईओ तक पहुंची शिकायत की। पनवाड़ा पंचायत में कैटल शेड की किस्त के बदले मांगा जा रहा है 25% कमीशन। खबर कराहल से है, जहां पनवाड़ा निवासी रमेश मारू ने जनपद सीईओ को शिकायती आवेदन देकर पंचायत द्वारा कैटल शेड के भुगतान के एवज में मांगे जा रहे 25% कमीशन की शिकायत जनपद सीईओ अभिषेक त्रिवेदी से की है। रमेश मारू ने बताया कि उसका कैटल शेड बनकर तैयार हो चुका है, फिर भी उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान के एवज में सहायक सचिव उच्च अधिकारियों के नाम पर कमीशन मांग रहा है, जिस पर जनपद सीईओ अभिषेक त्रिवेदी द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पंचायत भ्रष्टाचार में इतनी व्यस्त है कि उसे किसी अफसर का डर भय नहीं रह गया है। निर्माण कार्य हो या हितग्राही की योजना का लाभ, बिना कमीशन के कुछ नहीं हो पा रहा है। पनवाड़ा पंचायत में अभी हाल ही में बनाए जा रहे नए रपटे की गुणवत्ता देख कमीशन की सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह सरपंच सचिव और इंजीनियर मिलकर शासन के पैसे ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। गरीबों की मजदूरी तक की मशीनों को भेंट चढ़ रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में श्योपुर कलेक्टर लोकेश जांगिर द्वारा पीएम आवास गड़बड़ी के दोषी पंचायत रोजगार सहायक की नौकरी समाप्त कर दी गई है। कलेक्टर की इतनी सख्त कार्रवाई के बाद भी कुछ कर्मचारी अपनी कमीशनखोरी से बाज नहीं आ रही है। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर जो अभी एक पनवाड़ा पंचायत में रपटे का मामला सामने आया, जनपद सदस्य ने आरोप लगाए हैं कि मिट्टी भरकर बनाए जा रहे हैं, सर क्या कार्रवाई सर इस पर होगी? सर संबंधित अभियंत्री को इसके लिए पत्र जारी किया जा रहा है, मौके पर जाएं, गुणवत्ता देखें, निर्माण कार्य की जांच करें और जो भी स्पष्ट प्रतिवेदन दे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये सर जो भरा हुआ सर ये क्या पत्थर मिट्टी से होना चाहिए था सर? प्रेजेंट में मिट्टी से हो रहा है सर, क्या मिट्टी अलाउ है क्या सर भरना रपटे में? नहीं नहीं, मिट्टी अलाउ नहीं है, और फिर जो भी होगा वो नियम अनुसार होगा, उसमें टीएस के अनुसार जो उसमें अलाउ होगा उसी के अनुसार काम होगा उसमें। जी मेरा नाम रमेश है। किस पंचायत से हो आप? जी मैं ग्राम पंचायत पनवाड़ा से हूँ। जी हुआ ये है कि मेरा 25% बन चुका है, मैंने निजी लागत से बना लिया है, लेकिन अब रोजगार सहायक द्वारा गुमराह किया जा रहा है, ना तो निर्माण राशि निकाली जा रही है। मैं अभी सीईओ साहब से मिला हूँ, सीईओ साहब को भी गुमराह किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि इसका पुराना बना हुआ है नया बनवाओ, जबकि पर मेरा नया बना हुआ है और पूरा कम्प्लीट हो चुका है, और बोला जा रहा है कि ये पुराना दिखा के नए के पैसे मांग रहा है। इस तरह से ये गुमराह कर रहा है और परसेंट मांगने के चक्कर में, और 25% मुझसे मांग चुका है। जनपद पंचायत में भी ये लाया गया था मुझे यहाँ पर, और यहाँ पर पैसे भी मंगवाए गए थे कर्मचारी द्वारा, अधिकारी द्वारा, और मैंने मेरे द्वारा पैसे वहाँ नहीं पहुँचे, इसलिए काम रोका जा रहा है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप पैसे नहीं दे रहे इसलिए आपका भुगतान नहीं हो रहा है? बिल्कुल हाँ, वो मांगे रहे हैं पैसे, टोटली खुलेआम मांग रहे हैं मुझसे, मांगे उन्होंने। ऐसे सब लोगों से पैसे मांगे जाते हैं? सबसे मांगे जाते हैं। पंचायत की हालत तो देखो, पंचायत रोज बंद रहती है, परेशान होते हैं, जनता बहुत परेशान होती है, एक दिन भी पंचायत नहीं खुलती है, 8 दिन में एक बार पंचायत खुलती है। तो क्या आज भी पंचायत बंद है? बिल्कुल आज पंचायत बंद है, आप जाकर देख लो। तो अभी जो जनपद सीईओ साहब ने आपसे क्या कहा है? जनपद सीईओ साहब ने कहा है कि मैं जांच करवाता हूँ और कार्रवाई की जाएगी, आपके पैसे डल जाएंगे अगर बना हुआ है तो। अच्छा, तो आपका बना हुआ है? लेकिन बिल्कुल बना हुआ है मेरा, लेकिन रोजगार सहायक के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। तो अभी तक कितने पैसे आपको दे दिए गए हैं उसके? अभी कुछ नहीं डाला, केवल एक मस्टर निकाला 1326 रुपये का। अच्छा, तो कब कितना समय हो गया इस कैटल सेट को? ये सितम्बर 2023 में ही स्वीकृत हुआ था, लगभग हो चुका है 7-8 महीने हो चुके लगभग। तो क्या उस समय और जिनके कैटल शेड बने थे उनका भुगतान हो गया? जी उनका हो गया है, सब जिनका भुगतान होगा बने हुए उनका तो हो गया होगा। केवल आप ही का रोक लिया? मेरा रोक लिया गया, वो परसेंट मांग रहा है ना। तो आप उनसे कहते होंगे कि मैं इसकी शिकायत करूंगा, तो क्या जवाब देते हैं वो? बोल दिया शिकायत किया तेरे जैसे 10 लोग रोज आते हैं शिकायत करने के लिए, कुछ नहीं होता हमारा। अच्छा, मतलब शिकायत का कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं होता हमारा। तो कुछ नहीं हमारा का मतलब क्या समझा जाए? क्या सांठगांठ है सारा सिस्टम? वो सांठगांठ है तभी तो वो ये ऐसे बोलते नहीं, ऐसे शब्द का प्रयोग करते थोड़ी वो। तो और क्या कुछ और क्या निमित्ता है वहाँ पर? गांव में इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है कि गांव में जो रपटे बने जा रहे हैं, पुलिया बनाई जा रही है, 15-15 लाख रुपए स्वीकृत होती है, जिसमें 1 लाख से मुश्किल से 1 लाख रुपए की लागत ही उसमें लगाई जाती है, जिसमें जेसीबी चलाकर गड्ढे खोदकर वहां पर ये मिट्टी भर देते हैं। तो बिल्कुल ही जो 1 महीने बाद क्षतिग्रस्त भी, पहले भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, 1-1 महीने ज़्यादा नहीं चल पाए हैं, ये साठ गांठ करके उनको पास करा लेते हैं, भुगतान निकाल लेते हैं। तो क्या वो पुलिया किस स्तर की है? क्या वो 1 साल भी नहीं टिकेंगी बारिशों में? बिल्कुल नहीं टिकेगी ना, उसमें मिट्टी मिट्टी कुछ है ही नहीं, ना उसमें सरिया है ना लोहा है, कुछ नहीं है, डस्ट से और मिट्टी से बनाते हैं। तो ये जो जिम्मेदार हैं, ये जो सब इंजीनियर इनका मूल्यांकन करते होंगे, तो क्या वो ऐसे ही कर देते हैं? जी वो उनका कभी परसेंट पहुँच जाती हुई परसेंट लेकर कर देते हैं वो। तो इस तरह से भ्रष्टाचार चला जा रहा है? बिल्कुल भ्रष्टाचार चला जा रहा है। आप एक भी पुलिया चेक करा लो, उसमें कुछ अगर सरिया निकल जाए लोहा निकल जाए खुदवा लो आप, मैं कह रहा हूँ। वर्तमान में एक रपटा भी बना हुआ है, जो अभी आप जाकर वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर एक गड्ढा हुआ है 30 फुट के करीब का,
और जैसे भी चला गया उसमें मिट्टी भरी हुई है। अभी आप जाकर देख सकते हैं मौके की स्थिति, और उसकी अभी रप्पे की एक तरफ की दीवार भी टूट चुकी है। तो बिना नींव भरे ही रप्पे बनाए जा रहे हैं? बिना नींव भरे जा रहे हैं, मिट्टी डाल के बस थोड़ी डस्ट डाल के थोड़ी थोड़ी दीवार चुन देते हैं, जो फिर वो टूट जाती है, ट्रैक्टर वाहन निकलते हैं उस पर वो डस्ट होती है, वो तो वैसे ही चढ़कती है। कंप्लीट करके दलाली करके पेमेंट निकाल लेते होंगे? बिल्कुल, ये भुगतान निकाल लेते हैं। मजदूर काम करते हैं क्या, मशीनों से काम कराया जाता है? ये मशीनों से काम कराया जाता है, मजदूर नहीं लगाए जाते? मैं बस थोड़ी थोड़ी चुराई करा लेते मजदूर से, बस दो तीन मजदूर बुलाकर, बाकी काम जैसे भी दोबारा होता है।